स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए थमा प्रचार, 31 सीटों पर होगा मतदान। हाईकोर्ट ने दी गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश, कहा सभी आरोप है गंभीर। स्कूल जा रही टीचर को डंपर ने कुचला, टायर के नीचे दबने से मौके पर मौत। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार रविवार शाम को समाप्त हो गया। इस चरण में ग्रामीण हावड़ा, दक्षिण 24 परगना में सुंदरबन क्षेत्र, डायमंड हार्बर और बरुपई क्षेत्र और हुगली जिले के कुछ हिस्सों में मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वपन दासगुप्ता, तृणमूल कांग्रेस मंत्री आशिमा पात्रा और माकपा नेता कांति गुलाल उन 205 उम्मीदवारों में शामिल हैं जिनके लिए पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार रविवार शाम को समाप्त हुआ। तृणमूल कांग्रेस के प्रचार का नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। टीएमसी सांसद और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। मंगलवार को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार शाम 5 बजे समाप्त हो गया। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के लिए 3 पुलिस जिलों बरेपुर, डायमंड हार्बर और सुंदरबन में 5,544 बूथों के लिए केंद्रीय बलों की सबसे अधिक 396 कंपनियां आवंटित की है। हुगली में केंद्रीय बलों की 166 कंपनियां और हावड़ा के ग्रामीण इलाकों में 133 कंपनियां तैनात होंगी। मुंबई हाईकोर्ट ने आज पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह पर लगे सभी आरोप बेहद गंभीर हैं। परमवीर सिंह ने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इसकी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। खबर नागौर से, जहां सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में स्कूल प्रधानाध्यापिका की मौत हो गई। सुबह स्कूल जाते वक्त पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें टक्कर मारी। मृतका मोहना जांगिड़ 25 वर्षीय ग्रेड सेकंड की शिक्षिका थी। वह सुबह स्कूल जा रही थी, इस दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। टायर के नीचे दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव मोर्चरी में रखवाया गया। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। ये दर्दनाक हादसा जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालय के सामने सुबह करीब 7 बजे जोधपुर हाईवे पर हुआ। मोना रोजाना की तरह स्कूटी से स्कूल जा रही थी। जैसे ही तहसील कार्यालय के सामने स्कूटी लेकर पहुंची तो पीछे से आ रहे डंपर चालक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान स्कूटी सवार प्रधानाध्यापिका मोना जांगिड़ की डंपर के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद से, जहां जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड 15 संताव प्रथम से प्रीति द्विवेदी ने नामांकन किया। द्विवेदी के समर्थकों ने पूजा अर्चना कर जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल करवाया। प्रीति द्विवेदी के समर्थन में पूर्व एमएलए प्रत्याशी बछरावा विधानसभा 177 सतीश गौतम के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों सम्मानित समर्थक मौजूद रहे। सतीश गौतम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभी कोई भी पद न होते हुए भी जनपद में गरीबों के सुख दुख में शामिल होकर सहयोग प्रदान करना पहली प्राथमिकता है। यदि क्षेत्रवासियों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो टिकाऊ बनकर समाज की सेवा ही उनकी प्राथमिकता होगी। खबर राजस्थान के चूरू से, जहां कच्चा बस स्टैंड को सौंदर्य रूप देने के लिए नगरपालिका की ओर से पहली साधारण सभा की बैठक में 2 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इसी सिलसिले में रविवार को कच्चा बस स्टैंड पर सफाई अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कच्चा बस स्टैंड पर सफाई अभियान तो पहले भी हुए, लेकिन खानापूर्ति के नाम पर सफाई नहीं की गई। इसके चलते कच्चा बस स्टैंड हर समय बदसूरत नजर आता था, लेकिन रविवार को हुई सफाई व्यवस्था को देखकर ऐसा लगा कि कच्चा बस स्टैंड अब सुंदर और स्वच्छ रहेगा। बस स्टैंड पर हर समय गंदगी का अंबार लगा रहता था, जिसके चलते यहां आने वाले यात्री, आमजन, व्यापारी सहित हर कोई परेशान था। लेकिन रविवार को सफाई व्यवस्था को देखकर हर कोई हैरान रहा। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि कच्चा बस स्टैंड पर इस तरह की साफ सफाई होगी। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की एक बड़ी टीम के साथ नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी और स्थानीय पार्षद राजेश पारिक और जेसीबी की सहायता से यहां पर पड़ा कीचड़ और कचरा उनकी देखरेख में हटवाया गया, जिसके बाद कच्चा बस स्टैंड स्वच्छ नजर आने लगा। कच्चा बस स्टैंड की व्यवस्था के लिए 2 करोड़ का बजट भी पारित किया गया है। आने वाले दिनों में कच्चा बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
सही है। जब से नई नगर पालिका का चयन हुआ है उसके बाद तीसरी दफ़ा आज पूरे स्टाफ के साथ आए हैं, बढ़िया तरीके से सफाई व्यवस्था की गई है और हम आगे भी आशा करते हैं कि इस अतिक्रमण को हटाकर सुचारू रूप से सही व्यवस्थित काम यहाँ किया जाए। और हम इसी आशा के साथ चेयरमैन साहब से भी बात हुई, चेयरमैन साहब बता रहे थे कि बस स्टैंड का रूपरेखा तैयार की गई है जिसको एजेंडे में लेकर सारा काम सही व्यवस्थित रूप से किया जाएगा, सौंदर्यकरण किया जाएगा, सड़कें तथा नालियाँ भी बनाई जाएगी और आवारा सांडों की समस्या ज़्यादा है और अतिक्रमण की समस्या ज़्यादा है उसको हटाने का सही व्यवस्थित रूप से काम करने का आश्वासन चेयरमैन साहब ने दिया। मैं हनुमान वाल ताज में ले सोए। देखिए नगर पालिका ने जो अभियान चला रखा है, हमने सफाई अभियान का, उसी क्रम में कच्चे बस स्टैंड के हालात इतने खतरनाक हो गए थे कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है और ये हमारे संज्ञान में आया, हमने पहले मौका भी देखा, इसलिए आज हमने रविवार का दिन छुट्टी का दिन चुना और सभी समस्त संसाधन और समस्त कर्मचारियों को लगा के और आज बस स्टैंड को साफ करने का कार्य किया है। और गाड़ी वालों और दुकानदारों से भी हम अपील करेंगे कि वो सफाई में हमारा सहयोग करें, उसके बावजूद भी जो दुकानदार सहयोग नहीं करेगा तो निश्चित रूप से नगर पालिका नोटिस जारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई की कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में स्टैंड का स्वरूप चेंज करना हमारा मुख्य लक्ष्य है, उसी के क्रम में ये कार्य हमने शुरू किया है। DPR इसकी बन रही है, जैसे योगा हम नए ठेके निकाल के अच्छा स्टैंड बढ़िया स्टैंड बनाएंगे, ये हमारा एक सपना है, उसका पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये वार्ड नंबर 23 है और ये कच्चा बस स्टैंड है जो वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत आता है। कल यहाँ के अध्यक्ष ने जो विक्रम सिंह जी या राजेंद्र सिंह हैं उन्होंने व्हाट्सएप किया था कि यहाँ की स्थिति ख़राब है और आज सुबह ही चेयरमैन साहब का फ़ोन आ गया कि आप कच्चे बस स्टैंड में साफ़ सफाई कराओ, तो चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं और बस स्टैंड में जो कचरा गंदगी जो था वो सभी JCB ट्रैक्टर लेबर लगा कर सारा कुछ साफ कर दिया गया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। स्थायी व्यवस्था के लिए क्या कुछ समाधान किया जाएगा? स्थायी व्यवस्था के लिए यहाँ के विधायक पंडित मोहनलाल जी शर्मा ने कच्चे बस स्टैंड के लिए 2 करोड़ का प्रस्ताव लिया है जो बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होगा। चारों पांचों गेटों पर काउ कैप्चर लगेंगे, एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगेगी, एक हाईटेक टॉयलेट बनेगा और पूरा जो कच्चे बस स्टैंड का जो ये एरिया है पूरा ये WB होकर RCC होगा और पानी की निकासी लिए एक बड़ा नाला बनेगा, नीचे अंडरग्राउंड छोटे छोटे नालियां बनेंगी जो सीधे जाकर हमारी इस गिरनाणी में मिल जाएंगी, इस एरिया का पूरे का उद्धार हो जाएगा। 210 गांवों का ये बस स्टैंड है, 210 गांवों के लोग यहां आते जाते हैं, उन सभी को फ़ायदा होगा, सरदारसर के लोगों को फ़ायदा होगा और स्वच्छता का एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से जहां ब्राह्मण महासभा द्वारा गायत्री माता मंदिर प्रांगण में जगदीश प्रसाद गौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में ब्राह्मण महासभा की वार्षिक गतिविधियों का आय व्यय तथा परिवेदन सचिव राकेश शर्मा ने प्रस्तुत किया। बैठक में सामाजिक उत्थान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी का भी गठन सर्वसम्मति से किया गया। प्रवक्ता सांवरलाल जोशी ने बताया कि आम सभा में अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम के प्रस्ताव मिले, जिसके बाद 2 जनों ने नाम वापस लेने पर पुराने मंडी घड़साना निवासी रामनिवास तावणिया को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुना गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज की ओर से नई मंडी घड़साना में तैनात हेड कांस्टेबल नीलम सिंह मीणा और कांस्टेबल हंसराज मीणा को उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया गया। वहीं वर्तमान अध्यक्ष राम निवास शर्मा और सचिव डॉक्टर राकेश गौड़ ने भव्य गायत्री माता मंदिर के निर्माण को कराने का प्रस्ताव पारित करवाया। खबर राजधानी जयपुर के जमवा रामगढ़ से जहां ग्राम पंचायत कार्यालय भावपुरा में द्वितीय चरण में नायला अस्पताल के विभाग की टीम द्वारा कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। 45 साल से ज्यादा आयु वाले नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को टीकाकरण किया गया। सरपंच काली देवी मीणा के द्वारा लोगों को COVID-19 वैक्सीन के टीके के बारे में जागरूक कर 45 साल से ज्यादा आयु वाले नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को टीका लगवाया गया। सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार मीणा, उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 60 वर्ष से ज्यादा लोगों को टीका किया गया था, इसमें 92 लोगों को टीका लगाया गया था और द्वितीय चरण में अब तक 80 लोगों ने टीका लगवाया है। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।